हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टेडिलाफिल या सिंडिलाफिल को कौन ले सकता है। क्या आपको ईडी नहीं है तो क्या आप भी ले सकते हैं? तो इस वीडियो में इस सवाल का जवाब दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि एंड्रोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट के बीच के डिफरेंस को, तो अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑफ टैबलेट। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, टेडिलाफिल एंड सिंडिलाफिल का काम आपके लिंग में ब्लड फ्लो को तेज़ करना होता है, जिससे आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है। सीधी बात समझे तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये टेबलेट इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसकी हेल्प से आप देर तक संबंध बनाने का मजा ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कौन ले सकता है इस टेबलेट को या किसे लेना चाहिए। पहली बात तो वो लोग ले सकते हैं जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, जिनके लिंग में इरेक्शन नहीं आता है या इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल इस टेबलेट को ले सकते हैं। दूसरे वो लोग भी ले सकते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल हेल्दी है, सेक्स लाइफ भी अच्छी चल रही है, उन्हें बस परफॉर्मेंस बढ़ाने, टाइम इंक्रीज करने के लिए लेना है तो ले सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको इरेक्शन की कमी नहीं होती है, टाइम बढ़ता है, जल्दी थकान नहीं होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल कम होता है जिससे रिफ्रैक्टरी टाइम डिक्रीज होता है और आप जल्दी रेडी होते हैं सेकेंड राउंड के लिए। इस टेबलेट को लेने से प्रॉब्लम नहीं होता है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि अभी ले लेते हैं तो बाद में इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है क्या? तो इसका जवाब है ऐसा नहीं है, बट आपको टैबलेट लेने के बाद हाई परफॉर्मेंस की आदत हो जाती है, इसलिए लगता है कि अब परफॉर्मेंस सही नहीं हो रही है। बट मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस तरह के टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल तरीके से अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी नेचुरल तरीके से टाइम बढ़ाने के टिप्स हैं, आप चैनल विजिट करके ये सारी वीडियो देख सकते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जिन्हें ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए, जिन्हें किसी तरह का बीमारी है या उनकी कंटिन्यू मेडिसिन चल रही है, उन्हें इस तरह के टैबलेट लेने से मना किया जाता है, रिकमेंड नहीं किया जाता है। अगर उन्हें ये टैबलेट दिया भी जाता है तो काफ़ी जाँच करने के बाद दिया जाता है ताकि वो साइड इफ़ेक्ट से बच सके। इसलिए अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है जैसे किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, लीवर प्रॉब्लम, तो इस टैबलेट को लेना अवॉइड करना चाहिए। किस किस बीमारी में ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए, इस पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं एडवाइस की। इस टैबलेट को तभी लीजिए जब आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको ईडी का प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी लेना चाहते हैं तो महीने में एक बार लीजिए या नेचुरल तरीके से परफॉर्मेंस को हाई कीजिए। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट रहेगा तो आपको कभी भी इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन लीजिए, एनर्जेटिक रहिए, इससे फ़ायदा ज़रूर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन ले सकता है इस टैबलेट को और कौन नहीं ले सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।